प्रशासन, चंडीगढ़ प्रशासन, चंडीगढ़ प्रशासन, चंडीगढ़ प्रशासन, हमारी एकता, हमारी एकता। अर्थ प्रकाश के दर्शकों को नमस्कार। हम यहाँ पे मस्जिद ग्राउंड में पहुंचे हैं सेक्टर 20 में, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज और आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयज जो चंडीगढ़ प्रशासन और दूसरे महकमों में जो है काम कर रहे हैं, तो उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की दिक्कतें जो है कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज और आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयज को आ रही हैं। चंडीगढ़ प्रशासन ने बीते दिनों काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयज को जो है नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उनके सामने एक रोजी रोटी का संकट आ गया है। लोकसभा के चुनाव सामने हैं, इनका मुद्दा हर बार जो है इलेक्शन मैनिफेस्टोस में डाला जाता है, लेकिन वो मैनिफेस्टो से आगे नहीं बढ़ पाता, कोई हल इसका नहीं निकल पाता। आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट के जो एम्प्लॉयज हैं, इनकी मांग है कि कम से कम जो है इनका कोई स्थायी हल निकाला जाए। पंजाब और हरियाणा की तर्ज पे कोई एक कैडर अलग से बना जाए इनकी नौकरी के ऊपर, ताकि खतरा न रहे, इनका पूरा परिवार चल सके। इनके परिवार की अगर वोटों की बात करें तो ये लगभग 2000 के करीब जो है कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग के एम्प्लॉयज हैं। हॉस्पिटल्स के अंदर अलग एम्प्लॉयज है, NHM के अलग एम्प्लॉयज है, लेकिन इनके सामने जो है एक परेशानी हमेशा खड़ी हो जाती है कि कहीं कल नौकरी रहेगी या नहीं। आइए हम इन्हीं से जानते हैं कि ये मुद्दा क्या है और किस तरह से जो है इनको आज तक लगातार जो है लॉलीपॉप दिया जा रहा है। हाँ जी, मेरा नाम विपिन शेर सिंह है, मैं ऑल कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी संघ भारत यूटी चंडीगढ़ का चेयरमैन हूँ। तो हमारा जो संगठन है कर्मचारी संगठन, काफ़ी लंबे समय से जो संघर्ष कर रहा है, जिसके अंदर हमारे कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग या हमारे जो केंद्रीय स्कीमें हैं जैसे NHM, उसके कर्मचारी हमारे से हजारों की तादाद में जुड़े हैं। तो लगभग मैं आपको थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगा कि 20,000 एम्प्लॉयज हैं जो कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग और केंद्रीय स्कीमों में यहाँ चंडीगढ़ में प्रशासन में काम कर रहे हैं। 1966 में जब से चंडीगढ़ बना है, तो एक 60-40 की रेशो में जब इसका निर्माण हुआ था, तो पंजाब हरियाणा से अफसर या जो कर्मचारी यहाँ डेपुटेशन पे आके उन्होंने इसको चलाया। अगर आज हम बात करें लगभग 60 वर्ष बाद जो है चंडीगढ़ का जो रेशो है, तो यहाँ एक एम्प्लॉयज़ का शहर इसको माना गया था या कहा गया था, तो आज एक लेबर का शहर ये बन चुका है। अगर उस रेशो की बात करें तो 70-30 की रेशो में हम कहना चाहेंगे भी 70% जो है कच्चे कर्मचारी यहाँ काम कर रहे हैं सरकारी विभागों में। तो एक और संवैधानिक विसंगति है यहाँ चंडीगढ़ में, 1992 से यहाँ पंजाब के जो सेवा नियम हैं जो फॉलो किए जाते थे, आज मतलब लगभग 30 साल बाद जो है चंडीगढ़ 2022 में केंद्रीय सेवा नियम का जो ऐलान किया गया केंद्र सरकार द्वारा, तो इस 30 साल के अरेंजमेंट में काफ़ी मतलब जो कच्चे कर्मचारियों का बड़ा एक योगदान है, हम यही कहना चाहेंगे कि सरकारी विभागों को चलाने में, क्योंकि रेगुलर भर्तियां इतनी ज़्यादा तादाद में अफसरशाही द्वारा नहीं की गई। चंडीगढ़ प्रशासन ने कच्चे सिस्टम से जो है काम चलाना बेहतर समझा। 2011 में पंजाब ने एक पॉलिसी बनाई थी जिसमें 3 साल की सेवा को नियमित किया गया। तो चंडीगढ़ प्रशासन के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की लगातार हमेशा यही मांग रही है। 2014 का भी चुनाव देखा गया, 19 का भी चुनाव देखा गया, आज 24 आन खड़ा है। तो ये ऐसे चुनाव में मतलब जैसा आपने कहा भी मैनिफेस्टो की शोभा बढ़ाने के लिए हमारी मांगे डाल तो ली जाती हैं, पर उस पर कार्रवाई कोई नहीं। मेरा नाम मनु कुमार है, मैं प्रेसिडेंट क्लास फॉर एम्प्लॉय यूनियन एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़। सर, हमारी जो डिमांड्स है और हमें जो परेशानियां हैं, हम 650 कर्मचारी जो डायरेक्ट DC रेट पे 2008 से लगे हुए हैं शिक्षा विभाग के अंदर, मगर आज तक भी हम DC रेट पर ही लगे हुए हैं। हमारे लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई है डिपार्टमेंट की तरफ से या चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से, जिससे कि हमारा और हमारे आने वाले जो हमारे पीढ़ियाँ है उनके लिए कोई सिक्योर कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए। दूसरी बात क्या है कि हम सेम वर्क सेम पे की मांग करते आ रहे हैं इतने समय से, जो कि आज तक प्रशासन ने हमारी मांगे कभी भी नहीं सुनी है। PGI में हुआ है, PGI में कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी थे जिनका हुआ है आउटसोर्स के कर्मचारी, मगर हम तो डायरेक्ट विभाग की तरफ से लगे हुए, फिर भी हमारी कोई भी डिमांड सुनी नहीं जाती है। मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारी मिड डे मील आयास है इतनी, जो बेचारी 3 घंटे के लिए लगी हुई है
और उनको इतनी कम सैलरी दी जाती है, उनके लिए भी कोई इस तरह की पॉलिसी नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि उनका कोई पालन पोषण अच्छे से हो सके। उनको 4500 रुपये सैलरी मिलती है, 4500 रुपये सैलरी में वो क्या करेगी, अपना घर कैसे चलाएगी। मेरा नाम अमित कुमार है और मैं चंडीगढ़ एनएचएम एम्प्लॉयज यूनियन में जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमारी सर जो मुख्य मांग है, हमारी मांग है चंडीगढ़ में एनएचएम एम्प्लॉयज को समान कार्य समान वेतन के अनुसार वेतन दिया जाना चाहिए। पर बहुत ही दुखद बात यह है कि हमें अभी तक जो चंडीगढ़ मिनिमम वेज जो डीसी रेट है हमें वो भी नहीं दिया जा रहा। ये केंद्रीय स्कीम कह के हमें हर बार मना कर दिया जाता है कि आपकी केंद्रीय स्कीम है, आपको डीसी रेट नहीं दिया जा सकता। बट 2 साल पहले ये हामी कर दी थी प्रशासन द्वारा कि डीसी रेट के बराबर सैलरी मिल जाएगी, बट प्रशासन ने वहां भी एक कुछ शर्तें और नियम लागू लगा दिए हमारे ऊपर कि आपको शर्तें माननी पड़ेगी। तो हमारा यही सवाल था प्रशासन से, जब हमारी जो सेवानियुक्ति हमारी एनएचएम के थ्रू हुई है तो हमारे ऊपर ऐसे शर्तें क्यों लगाई गई है। आज के आपको सैलरी डिफरेंस बताऊं मैं आपको, तो जो एनएचएम की स्टाफ नर्स है उनको सैलरी मिल रही है 24,000 और जो आउटसोर्स की डीसी रेट है उनकी 40,000 सैलरी है। तो इतना डिफरेंस आ रहा है हमारे टाइम इसके दो कैटेगरी में, तो ये डिफरेंस खत्म होना चाहिए। जो कम से कम हमें डीसी रेट के बराबर सैलरी पहुंचाई जाए और समान का समान वेतन तक भी पहुंचा जाए। अब मैं अपने पड़ोसी राज्य हरियाणा में, वहां पे 6वें वेतन आयोग के हिसाब से बेसिक वेज डीए दिया जा रहा है, तो जो हरियाणा राज्य में ये स्कीम लागू हो सकती है तो चंडीगढ़ में भी ये चीज लागू होनी चाहिए। सब सेंट्रल स्कीम के अंडर है तो चंडीगढ़ को भी ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें हरियाणा तर्ज पे चंडीगढ़ को भी समान का समान वेतन दिया जाए। मेरा नाम सतीश कुमार है जी, मैं चंडीगढ़ कॉन्ट्रैक्ट एंड अदर एम्प्लॉई यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ, हायर एजुकेशन में डील करते हैं हम। जो हमारी डिमांड है, मैं ऑल कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी संघ का ऑडिटर भी हूँ। अभी जो ऑल कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी संघ ने डिमांड उठाई है, मुख्य हमारी 3 डिमांड रही हैं। पहली है रेगुलराइजेशन की पॉलिसी, जो डायरेक्ट डीसी डायरेक्ट एम्प्लाइज हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे एम्प्लाइज हैं जिनको डीओपी रेट ऑलरेडी मिल रहा है, उनके लिए हम चाहते हैं कि रेगुलराइजेशन की पॉलिसी लागू हो जो हमारे नेबरिंग स्टेट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। अभी हिमाचल की बात करूं, हिमाचल में तो कॉन्ट्रैक्ट पर 2 साल के बाद रेगुलर किया जा रहा है, हर 2 साल के बाद कॉन्ट्रैक्ट पर पर्सन को रेगुलर किया जा रहा है। तो क्या ऐसी पॉलिसी चंडीगढ़ में लागू नहीं हो सकती? हो सकती है। अभी रिसेंटली आपने सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन सुनिए कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लाईज के इश्यूज को लेकर, कि सुप्रीम कोर्ट ने भी 12 मार्च को एक जजमेंट दिया है जिसमें ये बोला गया है कि जो जहां 12 माही काम है वहां पर आप कॉन्ट्रैक्चुअल वर्ड यूज ही नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी ही रेगुलर पर्सन है, आप कंसीडर ही नहीं कर सकते उन पर्सन को कॉन्ट्रैक्चुअल। तो हम चाहते हैं हमें सुप्रीम कोर्ट की जो दिशा निर्देश है उनके अनुसार हमें भी स्थाई जॉब दी जाए, हमें भी नियमित किया जाए। भाजपा की ओर से संजय टंडन और कांग्रेस और आप गठबंधन की ओर से मनीष तिवारी, ये यहाँ पे प्रत्याशी हैं। आप इनसे क्या उम्मीद करते हैं कि क्या ये मांगे पूरी करा सकते हैं या कि टाल मटोल का रवैया चल रहा है बीते कई सालों से? सर, मैं तरनदीप सिंह गरेवाल इस मंच पे और पीजीआई के मंच पे पहले से ही इस बात के ऊपर हम पूरी वार्तालाप कर रहे हैं एडमिन के साथ, मिनिस्ट्री के साथ, गवर्नमेंट के साथ, उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस भी आ रहे हैं। तो आज इस डेट पे इस बात का कुछ भी स्पष्टीकरण करना कि हमारे लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, वो पिछले 10 साल का एग्जाम्पल हमारे साथ है। हम किसी के ऊपर भी पॉलिटिकल प्रेशर डालने की बात करें भी, पॉलिटिकली आप इंटरफेरेंस करो भी, हमारी मांग या हमारी डिमांड को सेंट्रल गवर्नमेंट तक लेके जाओ, उसके लिए ऑलरेडी हमारे जो नेतागण यहाँ पे रहे हैं वो इस बात का स्पष्टीकरण दे चुके हैं भी वो कितना हमारे लिए काम करने के लिए तैयार है। जिस बात की आज हम बात करें भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की, तो आज इलेक्शन कोड लगने के बाद जब हमारे लिए 46 करोड़ का सैंक्शन पीजी के लिए आ गया और उसमें क्लियर कट पब्लिकली ये बताया गया कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हुआ, तभी ये चीज मानने पे आए हैं, नहीं तो इस बात के ऊपर कोई स्टैंड नहीं ले रहा था कि सिमिलर वेज फॉर सिमिलर वर्क किसी को ग्रांट करना है या नहीं करना। वो 46 करोड़ 9 अक्टूबर 1918 की जो नोटिफिकेशन थी उसके तहत आया, जिसमें यह था कि कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट के लिए किसी के पास, किसी गवर्नमेंट को, पीजीआई गवर्नमेंट को स्पेसिफिकली
कि कोई इसके पास नोटिफिकेशन का एक्सटेंशन नहीं है कि ये यहाँ पे कोई भी आउटसोर्सिंग को एक्सटेंड कर सकता है, जहाँ उसके पास कोई एम्पावरमेंट थी कि वो इस आउटसोर्सिंग को आगे यहाँ पे कंटिन्यू करवा सकता है। तो उस स्टेज पे एक ही चीज का, जो CACLB बोर्ड है जिसके तहत प्रोहिबिशन ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट वेयर देयर इज पेरिनियल नेचर ऑफ जॉब, जिसकी पावर CACLB बोर्ड के पास ही है, तो उन्होंने इस चीज की नोटिफिकेशन को जारी करते हुए एक बात बोली भी यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम नहीं हो सकता। तो कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम अकेला पीजे की चार कैटेगरीज में नहीं था, आउटसोर्सिंग सिस्टम तो पूरे चंडीगढ़ में जा चुका हुआ है, और पूरे चंडीगढ़ में जब सारा आउटसोर्सिंग सिस्टम कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम आ चुका है, तो CACLB बोर्ड से गुजारिश बनती थी कि ये पूरे चंडीगढ़ का नोटिफिकेशन जारी करता। एक डिपार्टमेंट में 49 कैटेगरीज काम कर रही है, उसमें से चार कैटेगरीज के लिए एक नोटिफिकेशन निकल जाता है। तो अभी ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है, उसमें ना समझी इस बात को लेके है। सेम डेट को सेम अंडर सेक्रेटरी ने एक और ऑर्डर जारी किया कि इन्हीं चार कैटेगरीज को आज जेम के ऊपर ले जाइए, क्योंकि वो टेंडर पिछले 7 साल से पीजी में चल रहा था। अब ये एक दुविधा वाली बात है, एक तरफ तो सैंक्शन आ रही है, दूसरी तरफ जेम के ऊपर लेके जाने की बात आ रही है। अगर जेम के ऊपर टेंडर जा रहा है तो क्या ये सिमिलर वेज फॉर सिमिलर वर्क एक्सटेंशन करने का जो सारा आज की डेट में हमारे पास फ्रूट आया है, तो क्या वो आगे डिलीवर होगा कि नहीं होगा? मैं ऑल कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी संघ का प्रधान अशोक कुमार जी, आज के जो मजदूर दिवस के उपलक्ष में सभा बुलाई गई है, चंडीगढ़ प्रशासन कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा अन्याय कर रहा है, करने के लिए जा रहा है। ये अन्याय नहीं होना चाहिए। अभी हमारे विपिन सिंह जी ने बताया कि जो 20-20 साल से लगे हैं कंस्ट्रक्चुअल कर्मचारी, उनको अभी जस्ट 1 या 2 महीने में अपना इलेक्शन के बाद रिलीव कर दिया जाएगा, तो वो लोग कहाँ जाएंगे बेचारे, जो 20-20 साल का अपना जीवन जो है पूरा जवानी का चंडीगढ़ प्रशासन के कार्यों में लगा चुके, और इस उम्र में किस मोड़ पे चले जाएंगे, ये भी चंडीगढ़ प्रशासन को सोचना चाहिए। तो दूसरा, आज जो कर्मचारी इकट्ठे हुए हैं चंडीगढ़ शिक्षा विभाग के जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं, इनको DC रेट की जो सैलरी दी जाती है, हमारे PGI से तरनदीप जी ने भी विस्तार से समझाया होगा कि ये एक दिहाड़ी है, सैलरी नहीं है, और सभी कर्मचारी अपनी सैलरी की मांग करते हैं, जो इनका हक भी है, क्योंकि जहां 12 मासी प्रकृति का कार्य है सरकारी विभाग में, वहां दिहाड़ी नहीं दी जा सकती, वहां पर सैलरी मिलनी चाहिए। और सैलरी जो है गवर्नमेंट जो हमारी है भारत की, उन्होंने नियम बनाए हुए हैं उसके लिए, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट है उसके खंड 25(2)(5) में जो है साफ साफ निर्देश है कि जहां 12 मासी प्रकृति का कार्य है वहां पर उनको समान कार्य समान वेतन, यानी कि बेसिक प्लस DA प्लस अलाउंस के तहत जो उनका बनता है वो सैलरी दी जानी चाहिए। इसी प्रकार जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं, ये आउटसोर्सिंग जो है ठेकेदारी जो प्रथा है, ये खरीद और प्रोखत है, जो भारतीय संविधान आर्टिकल 13 के विरुद्ध है, बिल्कुल उसका उल्लंघन हो रहा है। ये खरीद प्रोखत इसलिए है कि ऑफिस में बैठे बैठे इंसान को बेच दिया जाता है इंसानों के द्वारा। जितना भी कंस्ट्रक्चुअल है हमारा शहर में, इसमें उन्होंने अपना गोल्डन पीरियड जो यहाँ पर दिया है विभागों को, उनको नजरअंदाज ना करके उनकी एक पॉलिसी बनाए, जिस प्रकार हरियाणा ने पॉलिसी बनाई है कि 60 साल तक वो अपनी नौकरी बरकरार कर सकते हैं, रख सकते हैं, या फिर उनको रेगुलर कर दिया जाए। नई रेगुलर अगर भर्ती करनी है, इनके अलावा जो नई पोस्टें हैं उस पर भर्ती कर ले, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन जो पहले से पोस्टें भरी हुई है उन्हीं को जो है कंटिन्यू रखा जाए, इनके इनको हटाया ना जाए, ये हमारी मांग है।
तो ये थे हमारे साथ कर्मचारी यूनियन के नुमाइंदे, जिनका कहना है कि पंजाब और हरियाणा और हिमाचल की तर्ज पे जो है चंडीगढ़ प्रशासन भी एक ऐसी पॉलिसी बनाए ताकि ये कॉन्ट्रेक्चुअल और आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयज की नौकरी जो है खतरे में ना पड़े और ये आराम से अपना जीवन यापन रिटायर होने तक करते रहे। साजनी शर्मा, अर्थ प्रकाश के लिए चंडीगढ़ से।